आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। कायस्थ कुल के लिए यम द्वितीया पर्व पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा का है अलग महत्व। सच्चे मन से भगवान चित्रगुप्त के पूजन से कायस्थ कुल के वंशजों को प्राप्त होती है कुशाग्र बुद्धि। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। कायस्थ कुल के वंशजों के लिए न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन प्रत्येक यम द्वितीया पर करने का अपना अलग ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि सच्चे मन से न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन अर्चन स्मरण आदि करने से कायस्थ कुल के वंशजों को कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। हर साल दिवाली और होली के बाद द्वितीया तिथि अर्थात दोज या दूज को न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए। हर साल यम द्वितीया के दिन कलम दवात और कागज की पूजा की जाती है। संपूर्ण आय व्यय का हिसाब लिखकर भगवान को समर्पित किया जाता है। श्रद्धानुसार भगवान को प्रसादी चढ़ाकर भक्तों में इस प्रसाद का वितरण करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही यह त्योहार भी मनाया जाता है। यह खासकर कायस्थ वर्ग में अधिक प्रचलित है। उनके ईश्वर देवता ही न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी है। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़। चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध और जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना पड़ता है। मृत्यु प्रांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सका है। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहाँ न जीवन का हर्ष है और न मृत्यु का शोक। वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक, ब्रह्मालोक और शिवलोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है, अपने कर्मों के हिसाब से जिस जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्मालोक और शिवलोक में स्थान पा जाता है उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जानकार विद्वानों के अनुसार जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाता है उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर ये जीवात्मा कांप उठता है, भय से रुदन करने लगती है, परंतु दूत बड़ी निर्ममता से उन्हें बांध कर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं, जिसे नारकीय पीड़ा कहा जाता है, और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। मृत्यु के देवता यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज। यही भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं, और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष रखा जाता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज देते हैं। भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए है और यमराज के सहयोगी है। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। चूंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः ये ब्रह्मा कहलाए।
इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव असुर गंधर्व अप्सरा स्त्री पुरुष पशु पक्षी को जन्म दिए। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग भगवान श्री ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अथ एकायस्थ कहलाए और इनका नाम न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज पर। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी के हाथों में कर्म की किताब कलम दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक कुशाग्र बुद्धि के धनी है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल अक्षत कुमकुम सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान मिष्टान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। कथा इस प्रकार है। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सौदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था। इस राजा ने कभी को पुण्य का काम नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गए। वहां उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहे थे। राजा उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है, इस दिन मैं यमराज और न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वही न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज और यमराज की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में जब पहुंचा तब न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूं तो यह राजा बड़ा ही पापी है, इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गए। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय लाभ सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचांग प्रवचनों मान्यताओं धर्म ग्रंथों दंत कथाओं किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।